राई शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा में उमड़ा हजारों का जनसैलाब। राई विधानसभा में हर्षोल्लास से निकली शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा। सैकड़ों गाड़ियों मोटरसाइकिल के काफिले के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। देशभक्ति के गानों से इकलाब जिंदाबाद मां तुझे सलाम के लगाए नारे। देश के प्रति समर्पण का संकल्प तिरंगा यात्रा। वीर जवानों की बदौलत ले रहे आजादी की सांस। शहीद परिवार हमारी धरोहर, उनका मान सम्मान हमारा दायित्व। हजारों युवा हाथ में तिरंगा लेकर विधायक मोहनलाल बड़ौली के पीछे चल रहे थे। तिरंगा यात्रा नारी गांव से शुरू होकर मल्ला मांजरा, अकबरपुर, बरौटा, जठेड़ी, बड़, मलिक, विश्वा मिल स्पोर्ट्स स्कूल में समापन हुआ। सोनीपत से अर्थ प्रकाश के लिए आदेश त्यागी की रिपोर्ट। का अमृत काल चला हुआ है और 77वां स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाएंगे। आज 13 तारीख को ये राई विधानसभा की उन सब शहीदों की याद में है जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, और हम प्रत्येक गांव की मिट्टी लेकर इस मिट्टी को देश के प्रधानमंत्री 29 तारीख को अमृत मनाने का काम करेंगे, और उसमें इस मिट्टी पर पेड़ लगेगा ताकि वो पेड़ सब गांव की याद दिलाता रहे और इन शहीदों की याद दिलाता रहे और ये देश आत्मनिर्भर बने, इसकी प्रेरणा हमें वो पेड़ दिलाते रहेंगे, और पूरा देश एकजुट होकर इस देश के लिए काम करेगा। देश की एकता और अखंडता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा कहाँ से निकाली गई और कहाँ इसका समापन होगा? नारी गांव से निकाली गई है। वहाँ शहीद भीम सिंह के समाधि स्थल से शुरू करके नारा गांव में, अब मल्ला माजरा गांव में, मल्ला माजरा के चार शहीदों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन सबको नमन करते हुए अब आगे अकबरपुर, बारौटा, जठेड़ी, बड़ मलिक और बिशामिल स्पोर्ट्स स्कूल में जो 11 शहीदों की एक प्रतिभा स्थल बना हुआ है वहां पर हम इसका समापन करेंगे राय स्पोर्ट्स बिशामिल। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।